हेलो एवरीवन, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल तक की क्लासेस के अंदर हमने मैपिंग पढ़ी थी, और मैपिंग जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने 2 पॉइंट क्रॉस देखा और 3 पॉइंट क्रॉस देखा। अब हम डिस्कस करेंगे मैपिंग इन हैप्लॉइड्स। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी हम मैपिंग कर सकते हैं, और इस मैपिंग का कुछ फ़ायदा भी है, इजी भी रहती है, फ़ायदा भी है। देखिए, हैप्लोइड्स के अंदर कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे हैप्लोइड्स के अंदर हर जीन की केवल एक कॉपी होती है, ओनली सिंगल कॉपी, ओनली सिंगल कॉपी ऑफ ईच जीन। तो हर जीन की एक ही कॉपी होती है, इसका मतलब या तो वो डोमिनेंट कॉपी होगी या वो रिसेसिव कॉपी होगी, तो ज़्यादा जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। दूसरा, यहाँ पर हमको कोई भी टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं है, नो टेस्ट क्रॉस रिक्वायर्ड, नो टेस्ट क्रॉस रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि एक ही तो कॉपी है। अगर वो डोमिनेंट होगी तो करेक्टर आ जाएगा, डोमिनेंट नहीं होगी तो करेक्टर नहीं आएगा। तो यहां पर सिंपल से सिंपल लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से हम जीन का फंक्शन पता कर सकते हैं। तो जीन फंक्शन कैन बी नोन बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। जीन फंक्शन इज नोन बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो उससे हमको जीन का फंक्शन पता चल जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अगर हम हैप्लोइड की बात करेंगे तो दे आर इजी टू कल्चर, इजी टू कल्चर, आसानी से आप इनको कल्चर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे करेक्टर्स हैं जो हम हैप्लोइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके इजीली मैपिंग कर सकते हैं। अब हैप्लोइड ऑर्गेनिजम्स के केस में दो टाइप के हैप्लोइड्स होते हैं। एक तो हम यूज करते हैं यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी बोलते हैं इसको, यीस्ट, और दूसरा होता है न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरो स्पोरा क्रासा। ये जो दोनों के दोनों मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन दोनों मॉडल ऑर्गेनिजम्स की हम लाइफ साइकिल समझेंगे एक बार के लिए। होता क्या है, ये हैप्लोइड है तो ये अपनी लाइफ में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो हैप्लोइड सेल्स फ्यूज होंगी, डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन क्योंकि ये मेनली हैप्लोइड है इसलिए उस डिप्लोइड सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, तो मियोसिस से 4 स्पोर्स बनेंगे। जो डिप्लोइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन से 4 गैमिट बनते हैं, यहाँ 4 स्पोर्स बनेंगे। तो गैमिट बनने की बजाय स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे, और वो 4 स्पोर बनते हैं तो उनको टेट्राड बोल देते हैं, अगर 8 बनेंगे तो ऑक्टाड बोलेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो मैपिंग इन हैप्लोइड है, इसी मैपिंग का दूसरा नाम और होता है, इसको हम कहते हैं टेट्राड एनालिसिस। टेट्राड एनालिसिस कह दीजिए या मैपिंग इन हैप्लोइड कह दीजिए, दोनों सेम बात होती है। अब मैं आपको एक बार के लिए दोनों ही एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं कि हम किस तरीके से ये मैपिंग टेक्निक कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यीस्ट से। यीस्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन केस ऑफ यीस्ट करना क्या है, देखो यीस्ट के केस में एक टेट्राड बनता है। टेट्राड कुछ भी नहीं है, 4 स्पोर्स का ग्रुप है, उसको टेट्राड कहते हैं। इसका नाम है अनऑर्डर्ड टेट्राड, अनऑर्डर्ड टेट्राड। और ये अनऑर्डर्ड टेट्राड क्यों है, क्योंकि इसमें जो टेट्राड में जो स्पोर्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। स्पोर्स जो है वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं फंजाई के केस में। तो अभी अपन समझते हैं
इसको अनऑर्डर टेट्राड कहते हैं। दूसरी बात, यीस्ट का अगर हम यूज करेंगे तो हम दो जीन के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अगर यही काम हम न्यूरोस्पोरा के केस में करेंगे तो वहां दो जीन के बीच में डिस्टेंस नहीं पता कर सकते, हम वहां पर एक जीन और एक सेंट्रोमियर के बीच में डिस्टेंस पता करते हैं। अभी आ जाएगा, देखो अनऑर्डर टेट्राड है और हम इसके अंदर दो जीन के बीच डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन, हम यहां पर दो कंडीशन कंसिडर करेंगे। पहली है कंडीशन वन, और कंडीशन वन क्या कहती है हमको कि क्रॉसओवर नहीं होता, देर इज नो क्रॉसओवर। अब देखो क्रॉसओवर ही नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, और रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे तो आप समझ पा रहे हो कि रिकॉम्बिनेंट अगर नहीं बने तो हमको यहां पर मैपिंग नहीं कर सकते। तो क्रॉसओवर होना जरूरी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने का, टोटल रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, बट यहां तो रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं क्योंकि हमने क्या लिखा है, देयर इज नो क्रॉसओवर। बट कंसिडर करो, देखो क्या होगा। मान लीजिए कि ये एक यीस्ट है, ये है एक हैप्लोइड यीस्ट, और इसके अंदर एक कैपिटल ए जीन है, एक कैपिटल बी जीन है, और ये हो गई एन यानी हैप्लोइड यीस्ट, ठीक है। उसके बाद में एक यीस्ट ये है हैप्लोइड, जिसमें मान लो स्मॉल ए स्मॉल बी कंडीशन है, ये भी हैप्लोइड यीस्ट है, दोनों हैप्लोइड हो गई। उसके बाद इन दोनों का फ्यूजन होगा, और इन दोनों के फ्यूजन से एक बार के लिए 2n कंडीशन बनेगी, ये हो गई डिप्लोइड यीस्ट, ये 2n हो गई। अब ये 2n सेल जो है वो मियोसिस डिवीजन करेगी, तो मियोसिस डिवीजन करेगी तो क्या होगा, पहले ये जाएगी एस फेज के अंदर, ये गई एस फेज में। एस फेज में आपको पता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जो कैपिटल ए कैपिटल बी वाला डीएनए है इसका रेप्लिकेशन हो गया, कैपिटल ए कैपिटल बी बन गया। स्मॉल ए स्मॉल बी वाला डीएनए है इसका भी रेप्लिकेशन हो गया, और यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी जीन मतलब इसका रेप्लिकेशन हो गया, तो ये एस फेज कंप्लीट हो गया। नाउ हमने क्या लिखा है, देयर इज नो क्रॉस ओवर, कोई क्रॉस ओवर नहीं है, तो क्रॉस ओवर नहीं है इसको एनाफेज वन में भेजो। जब ये सेल एनाफेज वन में जाएगी तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम सेपरेट हो जाएगा, दो सेल्स बनेंगी। एक सेल के अंदर ये चला जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, और दूसरे के अंदर क्या चला जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी वाला, ये चला गया। और ये दोनों सेल जो होती है वो एक छोटी सी स्ट्रक्चर के अंदर पैक होती है, इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अभी तो मियोसिस टू कंप्लीट होने दो, ये एनाफेज टू के अंदर गई, एनाफेज टू के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होती है, होमोलोगस क्रोमोजोम से उनकी क्रोमेटिड सेपरेट होती है, तो यहां आपको दो क्रोमेटिड दिख रही है, इस एक सेल से बनेंगी दो सेल, कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक और सेल बन गई ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। और ये वाली सेल है इससे भी दो सेल्स बनेगी, एक बनेगी स्मॉल ए स्मॉल बी और एक बनेगी स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो गई। और ये रहा हमारे पास में एक चार स्पोर्स का ग्रुप, इसको कहते हैं टेट्राड, इसका नाम क्या है, टेट्राड। और इसको टेट्राड हमने इसलिए कहा क्योंकि यहां पर चार हैप्लोइड स्पोर्स है, एन 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 एन, और देखो यहां रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं है तो दे आर ऑल पेरेंटल, ऑल पेरेंटल, ये सारे के सारे पेरेंटल है। नाउ ये जो चार स्पोर्स का ग्रुप है इसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, फंगी के केस में इसे फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें ये स्पोर्स पैक होते हैं, ये टेट्राड हो गया। इस टेट्राड में देखो कितनी खाली जगह पड़ी है, तो इसलिए ये जो स्पोर्स होते हैं ना ये इधर उधर खिसक सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको अनऑर्डर्ड टेट्राड कहते हैं, अनऑर्डर्ड। अभी ना
अपन न्यूरोस्पोरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको अनऑर्डर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूरोस्पोरा में इतने अच्छे से ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यीस्ट के अंदर एक खास बात है कि जब एनाफेज टू के बाद चार स्पोर्स बनते हैं, यानी कि जो मियोसिस कंप्लीट होती है, तो मियोसिस के बाद एक माइटोसिस और होती है। यहां पर ये चारों सेल दिख रही है ना आपको स्पोर्स, इन चारों सेल में एक एक माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस से क्या होगा, इस सेल से दो सेल बन जाएगी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी एक सेल और ये कैपिटल ए कैपिटल बी दूसरी सेल, दो सेल बन गई। ये जो एक स्मॉल ए स्मॉल बी है, इससे भी दो सेल बन जाएगी, ये दो यीस्ट बन गई स्मॉल ए स्मॉल बी। ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी है, इससे दो सेल्स बन जाएंगी कैपिटल ए कैपिटल बी की, ये दो सेल बन गई, और इससे भी दो सेल बन जाएगी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये सारा का सारा जो है इसको कहते हैं ऑक्टाड। ये आठ स्पोर्स का ग्रुप है, इसको कहते हैं ऑक्टाड और इनको कहते हैं टेट्राड। तो हमें बस इतना सा समझना है यहां पे कि भाई यहां ऑक्टाड और टेट्राड का क्या मतलब होता है। तो ये हो गया एक अनऑर्डर्ड टेट्राड, अनऑर्डर्ड टेट्राड और अनऑर्डर्ड ही ऑक्टाड है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या थी कि क्रॉसओवर नहीं होता, क्रॉसओवर नहीं होता तो ऑल पेरेंटल आते हैं, ये भी पेरेंटल है, क्योंकि देखो पेरेंट में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था, वहां स्पोर्ट्स में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है, पेरेंट में स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी था, वहां पर भी स्मॉल ए जहां जहां है उसके साथ स्मॉल बी ही है। तो यहां टोटल आठ स्पोर है, चार तो है एक पेरेंट जैसे, चार है दूसरे पेरेंट जैसे, यहां चार स्पोर्स है, दो है एक पेरेंट जैसे, दो है एक पेरेंट जैसे, तो मतलब पेरेंटल ही है। सो दिस टाइप ऑफ टेट्राड्स आर नॉट यूज्ड इन द मैपिंग, क्योंकि यहां पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहे और रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहे हैं तो मैपिंग में काम नहीं आते हैं। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं कंडीशन नंबर टू। कंडीशन टू हमारी है कि जब क्रॉसओवर होता है, अगर क्रॉसओवर होता है तो देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है कैसे है। क्रॉसओवर करा के देख लेते हैं, अगर क्रॉसओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। हमने टू पॉइंट क्रॉस देखा था ना, यहां पर भी हम दो जीन लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक ए जीन एक बी जीन, तो ये भी टू पॉइंट क्रॉस ही है, बस ये यीस्ट है इतना सा है। तो हमारा कंडीशन टू, व्हेन क्रॉसओवर अकर्स, कंडीशन टू क्रॉसओवर अकर्स, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एक सेल है कैपिटल ए कैपिटल बी, हैप्लोइड सेल है, एक सेल है स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों का क्रॉस मतलब दोनों में फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन से कैपिटल ए ये भी हैप्लोइड है, कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, टू एन कंडीशन आ गई। अब ये सेल जाती है एस फेज के अंदर, जब ये सेल एस फेज के अंदर जाएगी तो हमारे पास में रेप्लिकेशन के बाद ये कंडीशन बन जाएगी। ये लो, ये हो गया रेप्लिकेशन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, रेप्लिकेशन हो गया। अब मैं इस सेल को यूज करूंगा आगे आपको क्रॉस एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप आराम से देखो। इस सेल के अंदर चार क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड टू क्रोमेटिड थ्री क्रोमेटिड फोर। आपको पता है कि क्रोमेटिड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर ये तो है सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो इनके बीच तो क्रॉस होगा नहीं। क्रॉस किसके बीच होगा, नॉन सिस्टर, जैसे वन एंड थ्री वन एंड फोर टू एंड थ्री टू एंड फोर, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके बीच में क्रॉसओवर होगा। तो आप यहां फोकस करना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब हमने जो कल पढ़ा था
क्रॉस के टाइप्स, बस वही के वही क्रॉस हमको वापस देखने हैं। देखिए कैसे, केस वन, केस वन है टू स्ट्रैंड सिंगल क्रॉसओवर। टू स्ट्रैंड सिंगल क्रॉसओवर का मतलब क्या हुआ कि हमको इस सेल में जैसे ये कैपिटल ए कैपिटल बी और ये दूसरा कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर ये है स्मॉल ए स्मॉल बी और ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो हमारे पास में एक दो तीन चार क्रोमेटिड है, चार में से हम कोई भी दो क्रोमेटिड के बीच एक क्रॉस करा देते हैं। ये लो एक क्रॉस करा दिया। अब इस क्रॉस के बाद फाइनली हमारे पास में चार स्पोर्स बनेंगे। मैं सीधा का सीधा मियोसिस टू के बाद की बात कर रहा हूं। क्रोमेटिड नंबर वन कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पर ये स्पोर है पेरेंटल स्पोर। दूसरा देखो क्रोमेटिड नंबर टू कैपिटल ए, इस सीडी से नीचे उतरना है स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये है रिकॉम्बिनेंट। तीसरा देखो स्मॉल ए उसके साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, ये है तीसरा। चौथा देखो स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये है पेरेंटल। अब मुझे यहां पर ये टेट्राड जो दिखाई दे रहा है उस टेट्राड के अंदर ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, मतलब 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट है। देखो ऐसे टेट्राड के अंदर चार स्पोर्स हैं, एक दो तीन चार, और चारों का जीनोटाइप अलग अलग है कि नहीं, आप बताओ। कैपिटल ए कैपिटल बी अलग, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, चारों अलग है ना, इसलिए इस टेट्राड को कहते हैं टेट्रा टाइप टेट्राड। टेट्रा का मतलब चार, टाइप का मतलब टाइप। ये चार तरीके के स्पोर वाला टेट्राड है, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रा टाइप टेट्राड। ध्यान से समझना, ये काम का है बहुत ज्यादा अभी। अब इसके बाद केस टू कंसीडर करते हैं। केस टू, केस टू के अंदर देखते हैं कौन सा क्रॉस लेना है। केस टू में मान लीजिए हमने क्रॉस ले लिया टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर। चलो यहीं से शुरू करते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी, इनके रिजल्ट्स वही आएंगे जो हमने कल की क्लास में देखे थे, जो लास्ट क्लास में हमने देखे थे ना, सेम टू सेम वही रिजल्ट आएंगे, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं, क्रॉस तो वही करा रहे हैं। अब टू स्ट्रैंड और डबल क्रॉसओवर करना है, तो ये लो मैंने ये टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर कर दिया, ठीक, वन टू थ्री फोर में से टू एंड थ्री के बीच करा दिया क्रॉस। अब पढ़ते हैं क्रोमेटिड नंबर वन, क्रोमेटिड नंबर वन कह रही है कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, ठीक है, क्रोमेटिड नंबर ये आ गई वन। क्रोमेटिड नंबर फोर को देखो, क्रोमेटिड नंबर फोर कह रही है स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। नाउ क्रोमेटिड नंबर टू कैपिटल ए इस सीडी से नीचे थोड़ा सा आगे, एक और सीडी आई ऊपर, वापस कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी। फिर तीसरा स्मॉल ए इस सीडी से ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सीडी से नीचे उतरेंगे, स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। ये बन गया हमारे पास में टेट्राड। अब इस टेट्राड का नाम क्या रखें, बड़ा इजी है। पहले तो ये देखो कि इस टेट्राड के अंदर कितने टाइप के स्पोर्स है। मुझे कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक तो ये हो गए, दो स्पोर्स हैं, दोनों सेम है, और ये दूसरे दो स्पोर्स हैं, ये दोनों सेम है, तो मतलब एक तो ये टाइप के हैं, एक ये टाइप के हैं, ये हो गया डाया टाइप, डाया टाइप टेट्राड। दो तरीके के स्पोर्स हैं और ये डाया टाइप टेट्राड कहलाता है। ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, एक तो चीज ये हो गई। अब जरा देखो कि यहां रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, क्या कोई स्पोर आपको रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो ये दोनों तो दिख रहे हैं इस पेरेंट के जैसे,
कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दोनों इस पेरेंट के जैसे हैं और ये दोनों जो है वो इस पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं, यानी कि ये दो टाइप के स्पोर्स तो बने लेकिन दोनों के दोनों पेरेंट के जैसे ही तो है, इसलिए इस स्पोर का नाम, इस टेट्राड का नाम है पेरेंटल डायाटाइप। इसको आप शॉर्ट में पीडी कह सकते हो, पीडी पेरेंटल डायाटाइप। इसको हम कहेंगे टीटी टेट्राटाइप। तो ये टेट्राटाइप है, ये पेरेंटल डायाटाइप है। अब एक और क्रॉस देखते हैं, तीसरा केस समझते हैं, केस नंबर थ्री। केस थ्री के अंदर हम लेते हैं थ्री स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर। ये लो थ्री स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर। ये जो थ्री स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर है, कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका रिजल्ट वही आएगा जो कल देखा था, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। चलो ये हो गया हमारे पास में। नाउ क्रोमेटिड नंबर पता ही आपको, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। थ्री स्ट्रैंड कराना है, एक करा दो फर्स्ट एंड थ्री के बीच में और दूसरा करा दो टू एंड थ्री के बीच में। तो तीन तो स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो गए, एक दो तीन, ये तीनों स्ट्रैंड में क्रॉसओवर हो रहा है और दो क्रॉसओवर हो रहे हैं। अब इसके बनाओ स्पोर्स। तो पहला स्पोर्स क्रोमेटिड नंबर वन को देखो, कैपिटल ए इस लाइन से नीचे आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दूसरे साइड का कैपिटल बी, यानी कि ये आ गया एक साथ, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ आ चुके हैं। चलो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर पेन रखो, कैपिटल ए ये आ गया और इस सीडी के नीचे से निकलना है क्योंकि ये जो क्रॉस है वो फर्स्ट के साथ है, सेकंड के साथ यहां नहीं, सेकंड के साथ आगे क्रॉस हो रहा है, तो इसके तो नीचे से निकल गए और फिर इस सीडी से नीचे उतरे तो हमारे पास में मिला स्मॉल बी, तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी मिल गया। अब तीसरे के ऊपर पेन रखो, ये आया स्मॉल ए और इस सीडी से ऊपर चढ़े तो सबसे ऊपर पहुंच गए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये आ गया एक और। अब चौथा, इसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, स्मॉल ए आगे जाके स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, बस ये बन गया एक और टेट्राड। अब इसका नाम क्या रखे, मेरे को यहां पे एक दो तीन चार, चारों अलग अलग दिख रहे हैं तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा, टेट्रा टाइप। इसे कहेंगे टेट्रा टाइप टेट्राड। तो जो टेट्रा टाइप टेट्राड होता है वो इस तरीके का होता है। तो तीसरे केस से भी हमको क्या मिले, टेट्रा टाइप टेट्राड। अब केस फोर्थ, इसको भी यही समझ लेते हैं क्योंकि चारों सामने होंगे तभी अपने को समझ में आएगा। केस फोर, केस फोर के अंदर हम लेते हैं फोर स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर, फोर स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर। चलो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। फोर स्ट्रैंड, पहला क्रॉस करा दो सेकंड एंड थर्ड के बीच में, ये सेकंड एंड ये थर्ड के बीच में, दूसरा क्रॉस करा दो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में सॉरी। अब बनाओ जरा स्पोर्स कैसे बनते हैं। क्रोमेटिड नंबर वन, कैपिटल ए आगे बढ़े सीडी से नीचे उतरे और सबसे लास्ट वाले स्मॉल बी पे पहुंच गए, तो एक बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी। चलो दूसरे के ऊपर पेन रखो, कैपिटल ए आ गया इस सीडी से नीचे उतरे और इस सीडी के नीचे से निकल गए, ये स्मॉल बी आ गया, कैपिटल ए स्मॉल बी। तीसरे पे पेन रखो, स्मॉल ए से शुरुआत करो, इस सीडी से ऊपर चढ़ो और उस सीडी के नीचे से निकल के कैपिटल बी तक पहुंच जाओ, स्मॉल ए कैपिटल बी। और चौथा, स्मॉल ए और इस सीडी से ऊपर एकदम से स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी सॉरी। ये बन गया एक और टेट्राड। नाउ इस टेट्राड के अंदर मुझे चार स्पोर दिख रहे हैं, मुझे एक भी स्पोर कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं दिख रहा और एक भी स्पोर स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं दिख रहा। इसका मतलब इनमें से एक भी स्पोर पेरेंट जैसा नहीं है, तो पहले तो इसका नाम रखेंगे नॉन पेरेंटल,
ये पेरेंट जैसा एक भी नहीं है, और उसके बाद ये दो स्पोर एक जैसे, कैपिटल ए स्मॉल बी और ये स्मॉल ए कैपिटल बी, दो एक जैसे, तो नॉन पेरेंटल डायाटाइप हो गया ये, नॉन पेरेंटल डायाटाइप यहां पे हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पास में चार टाइप के स्पोर्स और चार टाइप के टेट्राड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमको यहां पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमेशा वही रहेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, आपको पता है, टोटल में से रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, टोटल में से रिकॉम्बिनेंट। अब यहां पर आप समझो कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। हमारे सामने चार टाइप के क्रॉस पॉसिबल है, ये चार क्रॉस पॉसिबल है, चारों क्रॉस के जो रिजल्ट निकल रहे हैं उनको ध्यान से देखो। केस नंबर टू देखो, केस नंबर टू के अंदर सारे के सारे पेरेंटल है, 100% पेरेंटल, 0% रिकॉम्बिनेंट। तो मतलब ये केस टू का रिजल्ट तो हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, ये टोटल में तो काउंट होगा, जो टोटल टेट्राड होंगे उसमें तो काउंट होगा ये टोटल टेट्राड, लेकिन ये वैसे काम का नहीं है क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 100 ये तो होना ही होना है। अब दूसरा केस नंबर वन देखो, केस नंबर वन के अंदर आपको दो तो मिल रहे हैं पेरेंटल और दो मिल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब चार स्पोर्स में से आधे स्पोर, चार स्पोर में से दो स्पोर कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट है। तो मतलब यह हो गया कि यहां पर आधे स्पोर तो रिकॉम्बिनेंट है, आधे नहीं है, तो आधे तो रिकॉम्बिनेंट है ना, आधों को तो काउंट करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें देखो टेट्रा टाइप में, यहां पर भी हमको 50% तो पेरेंटल मिल रहा है, 50% रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है। तो चार स्पोर्स में से आधे स्पोर्स हैं वो काम के हैं। अब देखो, एक तो टेट्राड ये है, एक टेट्राड वो है, दो टेट्राड है। अगर मैं इसके दो रिकॉम्बिनेंट उठा के इसमें रख दूं और इसके पेरेंटल उठा के इसमें रख दूं, तो दो में से एक टेट्राड ऐसा बन जाएगा ना जो पूरा रिकॉम्बिनेंट का बना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, हाफ ऑफ टेट्रा टाइप ले लेता हूं। भाई मेरे पास में अगर मान लीजिए कि दो टेट्राड है टेट्रा टाइप के, अगर मैं ये रिकॉम्बिनेंट उठा के उसमें रख दूं और उसके ये पेरेंटल उठा के इसमें रख दूं, तो मेरे पास एक फुल हो जाएगा ना। तो मतलब दो में से एक जितना तो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। बस मैंने वही किया है, अभी तो रुको, प्लस इसको देखो, नॉन पेरेंटल डायाटाइप, इसमें तो सारे के सारे ही रिकॉम्बिनेंट है, तो ये तो पूरा काम का है। तो इसका मतलब नॉन पेरेंटल डायाटाइप, ये बन गया हमारा फॉर्मूला रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, समझ में आ गया। ये हमने यहां पे हाफ ऑफ टेट्रा टाइप क्यों लिया, क्योंकि टेट्रा टाइप में 50% रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो आपके पास टोटल जितने भी टेट्रा टाइप्स होंगे, अगर सबके 50-50% रिकॉम्बिनेंट निकाल लो, तो आपके पास में आधे नंबर ऑफ टेट्रा टाइप जितने रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। और नॉन पेरेंटल डायाटाइप, ये तो फुल डायाटाइप होते हैं, ये तो अलग ही चीज है, तो ये तो पूरे काउंट करने पड़ेंगे। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और ये एग्जाम्पल्स बड़े इजी होते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी होती है, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा, कहीं कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है, हमको चार ऐसे मतलब टेट्राड दिए हुए हैं,
कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इनका नंबर दे रखा है 6। फिर दूसरा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इनका नंबर दे रखा है 82। और तीसरा है कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इनका नंबर दे रखा है 112। नाउ जैसा हमने वो 3 पॉइंट क्रॉस और 2 पॉइंट क्रॉस के अंदर किया था, थोड़ा सा यहां पर भी कॉन्सेप्ट यूज करना है। कैसे? इन टेट्राड्स में से जो टेट्राड सबसे ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम टेट्राड्स होते हैं, मैक्सिमम टेट्राड्स, उनको मानना है पेरेंटल। मैक्सिमम टेट्राड है वो पेरेंटल टाइप के होते हैं। तो मेरे सामने ये नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये तो हो गया पेरेंटल, और ये दो एक जैसे, दो एक जैसे, तो ये हो गया डाया टाइप, ये हो गया पेरेंटल डाया टाइप। समझ में आया? इसका मतलब एक यीस्ट ऐसी थी और दूसरी यीस्ट ऐसी थी, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ था, तो ये कंडीशन बन गई थी। क्लियर है? पेरेंट इस बार ट्रांस कंडीशन में है, होंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी वाले दो यीस्ट ने फ्यूज किया। अगर अब रिकॉम्बिनेशन होता है तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आएगा रिकॉम्बिनेंट, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा। समझ में आया? जो सबसे ज्यादा है उसको पेरेंटल डायाटाइप लिख दो। दूसरा, इसको देखो, ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, इसमें तो चारों के चारों डिफरेंट है, तो इसको तो आंख बंद करके टेट्रा टाइप लिख सकते हो आप। जिसमें चारों डिफरेंट हो वो तो टेट्रा टाइप ही होगा। अब हमने ये कहा कि पेरेंट के पास में कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल बी है, सॉरी, हमने कहा कि पेरेंट के पास में कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी होना चाहिए। अगर आपको कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी मिल जाए तो इसका मतलब ये तो रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि पेरेंट तो कह रहा है कि भाई मेरे पास में कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी है। वैसे ही दूसरा पेरेंट कह रहा है कि मेरे पास स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी है, तो भाई यहां पे तो स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा है, मतलब पेरेंट के जैसा नहीं आ रहा। तो ये क्या हुआ, दो तो टाइप के हो गए, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, और दोनों ही पेरेंट से बिल्कुल अलग है, इनको कहेंगे नॉन पेरेंटल डायटाइप। सिंपल। अब निकालो फॉर्मूला, आपके पास में है, टोटल करो पहले, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? अगर आप इनको टोटल करोगे तो ये हो गए 86, 82 और 6 88, और ये हो गए 200। और अब आपको हाफ ऑफ टेट्रा टाइप यानी हाफ ऑफ 82 प्लस नॉन पेरेंटल डायटाइप एन पीडी, नॉन पेरेंटल डायटाइप, ये कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। बताना जरा इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, ये मेरे को आंसर आप कैलकुलेट करके दोगे। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इनका नंबर है 60। ठीक है, उसके बाद में प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका नंबर है 30। उसके बाद में एक लिखा है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनका नंबर है 10, टोटल है 100। ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि जो प्लस लिखा हुआ है वो जीन कैपिटल है, जैसे ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। माइनस का मतलब रिसेसिव या म्यूटेंट, और प्लस का मतलब नॉर्मल, ये चीज होती है। नाउ सबसे पहले मुझे लग रहा है ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो मतलब ये भी डाया टाइप है, ये भी डाया टाइप है।
यहां पर चारों के चारों टेट्रा टाइप है, मतलब चारों अलग अलग हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसको टेट्रा टाइप डिक्लेयर कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेट्रा टाइप हो गया। अब ये भी डाया टाइप है, ये भी डाया टाइप है, इसका मतलब इसका नंबर ज्यादा है, तो मैं इसको पेरेंटल डाया टाइप बोल दूंगा। पेरेंट क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक तो प्लस प्लस वाला पेरेंट है, एक माइनस माइनस वाला पेरेंट है, इन दोनों का फ्यूजन हुआ था। तो अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले का रिकॉम्बिनेशन हो जाए, तो प्लस के साथ माइनस, ये देखो प्लस के साथ माइनस, ये रिकॉम्बिनेंट, ये भी रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब ये डायाटाइप तो है और पेरेंट के साथ इसका कोई भी मैच नहीं कर रहा। ये दोनों प्लस प्लस है, आपको यहां प्लस प्लस एक भी नहीं दिख रहा। ये दोनों माइनस माइनस है, आपको माइनस माइनस एक भी नहीं दिख रहा। नॉन पेरेंटल डायाटाइप लिखो। और अब हाफ ऑफ टेट्राटाइप प्लस नॉन पेरेंटल डायाटाइप डिवाइडेड बाई टोटल आंसर आप बताओ। अच्छा, सपोज करो कि मैं यहां पर इनका नंबर लिख देता हूं 10, ये 30 और ये 60, तो अब जरा बताओ आंसर क्या आएगा। दोनों का आंसर आप कैलकुलेट करके दो। अब कौन सा नॉन पेरेंटल डायाटाइप है, कौन सा टेट्रा टाइप है, वो चेंज हो गया है, आंसर निकाल के कमेंट करो। तो थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर लो। चलो ये हो गया, उसके बाद एक और सवाल लेते हैं अपन। प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये है 5। उसके बाद प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये है 40। उसके बाद में प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है 60, और 60 नहीं 160। फिर उसके बाद में माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये है 150। उसके बाद में दो माइनस माइनस वाले और दो प्लस प्लस वाले, ये है 5। फिर इसके बाद में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये है 40, और ये टोटल 400 है। अब इसको सॉल्व करो, जरा एक बार वीडियो पॉज कर दो और सॉल्व करके देखो क्या आता है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखो, सबसे पहले मुझे यहां पर यह ढूंढना है कि ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं, ये कोई तो डायाटाइप है, बाद में डिसाइड करेंगे पेरेंटल है या नॉन पेरेंटल है। एक 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 एक, ये टेट्राटाइप है कंफर्म। उसके बाद में ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, ये एक दो एक जैसे, ये भी डायाटाइप डायाटाइप है। ये दो एक जैसे, ये एक दो एक जैसे, ये भी डायाटाइप है। ये एक ये एक ये एक ये एक, ये टेट्राटाइप है। चलो, टेट्रा टाइप तो हुआ। अब इनमें से जिसका नंबर सबसे ज्यादा है वो होगा पेरेंटल डायाटाइप। तो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि हमारे पास प्लस के साथ माइनस है। इसके आगे 150 को देखो, ये जैसे प्लस माइनस है वैसे ये भी तो प्लस माइनस है, मतलब ये तो सेम है, जैसी कंडीशन यहां पर है वैसी कंडीशन यहां पर है। और ये देखो दो है माइनस प्लस, ये दो है माइनस प्लस, मतलब 160 वाले टेट्राड्स के पास जितने हैं उतने के उतने यहां पर भी हैं, तो ये एक्चुअली पेरेंटल डायाटाइप ही है। और क्योंकि ये अनऑर्डर टेट्राड है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यीस्ट पढ़ रहे हैं, तो यीस्ट के अंदर अनऑर्डर टेट्राड है, ऊपर नीचे हो गए होंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। एक्चुअली ये 150 और ये सॉरी ये 160 और ये 150, ये जो 310 है, ये 310 पेरेंटल डायाटाइप थे, आपको तोड़ के ऐसा लिख दिया। वो ऐसा भी कर सकते हैं आपके साथ में कि आपको यहीं पास में माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस लिख के इसको तो 100 दे दे और इसको 50 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े को वो तोड़ सकते हैं छोटे के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेरेंट को एक बार अच्छे से देख लेना कि पेरेंट कैसा है, और उसके जैसे अगर स्पोर्ट्स कहीं भी मिले तो वो पेरेंटल ही होगा। नाउ पेरेंट के पास में दो प्लस एक साथ नहीं है, ना तो इसके पास है ना इसके पास है, एक्चुअली ये दोनों सेम ही है, बस आपको बड़े फिगर को तोड़ के दो छोटे छोटे फिगर लिख दिए। तो हमारे पास में ये 5 है, इसके पास दो प्लस है और दो माइनस है, इसके पास भी दो माइनस दो प्लस है, तो नॉन पेरेंटल डायाटाइप हो गया ये, तो इसको भी आपको तोड़ के लिख दिया ऐसे छोटे।
बस हो गया पूरा का पूरा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ, करो कमेंट। तो ये तो हो गया हमारे पास में यीस्ट का केस, और यीस्ट के केस में हमने पढ़ा कि कैसे अनऑर्डर टेट्राड को हम स्टडी कर सकते हैं। प्लस माइनस लिखा हो, ए बी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चलो दूसरी बात करते हैं। सेकंड केस में हम पढ़ते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्रासा, इसकी खास बात, इसमें होता है ऑर्डर्ड टेट्राड। ऑर्डर्ड टेट्राड का मतलब वो जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसके अंदर जगह ही नहीं है, स्पोर्स हिल ही नहीं सकते। तो जो मदर सेल होती है वो मदर सेल अपनी जगह पे रहते रहते ही डिवाइड करती है। अभी देखेंगे, समझ में आएगा सब। तो एक तो है ये ऑर्डर टेट्राड। दूसरी खास बात, हमें यहां दो जीन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करनी, हमें यहां पे कैन मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर। तो हमारा एक मार्कर तो है जीन और दूसरा मार्कर सेंट्रोमियर होता है। अब कंडीशन नंबर वन, जब क्रॉसओवर नहीं होता, कंडीशन वन, नो क्रॉसओवर, कोई क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। अगर क्रॉसओवर नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये है एक न्यूरोस्पोरा, इसमें कैपिटल ए है क्योंकि अभी एक ही जीन लेना है, एक जीन, दूसरा तो सेंट्रोमियर होगा। और ये है दूसरा न्यूरोस्पोरा, इसमें स्मॉल ए है। समझ में आई बात? नाउ इन दोनों का फ्यूजन कराते हैं। फ्यूजन कराने से कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही सेल में आ गए। अब ये हो गई 2n सेल, ये हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है। यहां से ये सेल जाती है एस फेज में। जब ये सेल एस फेज के अंदर जाती है तो रेप्लिकेशन हो जाता है, और रेप्लिकेशन से दो बन गए कैपिटल ए और ये सेंट्रोमियर बन गया, ठीक है। और दूसरा जो स्मॉल ए वाला है वो भी रेप्लिकेट हो गया, तो ये स्मॉल ए और ये स्मॉल ए और सेंट्रोमियर बन गया, ये बन गया हमारे पास में। नाउ मैंने क्या कहा कि यहां बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो जब ये एनाफेज वन में जाएगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो हो नहीं रहा है तो इसको एनाफेज वन में भेजते हैं, एना फेज वन में जाएगी तो ये सेल यहीं के यहीं डिवाइड हो जाएगी, और एक सेल जो ऊपर वाली है उसमें तो चला जाएगा ऊपर वाला क्रोमोसोम, कैपिटल ए वाला, और इसके ठीक नीचे एकदम से स्मॉल ए वाला ये क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो कितना एकदम से ये सेल में, मतलब इन दोनों सेल के बीच में कोई जगह नहीं है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसके बाद में एस्कस बोलते हैं इनको, फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? एस्कस। एस्कोमाइसीट्स के हैं तो इनको एस्कस भी बोलते हैं, यीस्ट के केस में भी और यहां पर भी। एस्कस मींस फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी मींस टेट्राड या ऑक्टाड, टेट्राड और ऑक्टाड, जो भी आपको स्टडी करना है वो। ओके, तो जैसे ये सेल अपनी जगह पे डिवाइड हुई थी वैसे ही ये जो ऊपर वाला कैपिटल ए है ना, ये ऊपर वाला कैपिटल ए इस सेल में पैक हो जाएगा और नीचे वाला कैपिटल ए इसके जस्ट नीचे पैक हो जाएगा। फिर उसके बाद में इन दोनों स्मॉल ए में से एक स्मॉल ए इस सेल में पैक हो जाएगा और एक स्मॉल ए इस सेल में पैक हो जाएगा। ये क्या बन गया? ये बन गया अपना टेट्राड, ये बन गया टेट्राड। फिर जैसा कि मैंने बताया कि एक खास बात होती है, और वो खास बात ये है कि एनाफेज, सॉरी, मियोसिस के बाद में एक माइटोसिस होती है। अब ये सेल अपनी पोजीशन पे रहते हुए अपनी जैसी दो सेल बना लेगी, एक कैपिटल ए के दो कैपिटल ए, सेकंड सेल भी कैपिटल ए है तो इस सेकंड सेल से भी दो कैपिटल ए, थर्ड सेल स्मॉल ए है तो थर्ड सेल से दो स्मॉल ए, फोर्थ सेल स्मॉल ए है तो फोर्थ सेल से स्मॉल ए। ये बन गया हमारे पास में ऐसे ऑक्टार्ड।
ठीक है, तो ये टेट्राड और ये ऑक्टाड बन चुका है अपने पास में, बस ये हो गया हमारा काम। अब अभी देखो और चीजें समझते हैं, क्योंकि यहां क्रॉसओवर नहीं है, देयर इज नो क्रॉसओवर, ठीक है। कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, एलील्स लगते हैं। कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक साथ है एक सेल में, लेकिन जैसे ही एनाफेज वन कंप्लीट हुआ, कैपिटल ए चला गया अलग सेल में, स्मॉल ए चला गया अलग सेल में, इसका मतलब एलील सेपरेट हो गए, एलील सेपरेट, क्योंकि क्रॉसओवर नहीं हुआ था। और ये एलील्स कब सेपरेट हुए हैं, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का मतलब एनाफेज वन में सेपरेट हुए, इसलिए ये जो टेट्राड बना है इस टेट्राड का नाम होता है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट, इसे कहते हैं फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट्स। और ये जो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट्स है इनको शॉर्ट में FDS बोलेंगे, ठीक है, FDS। ये ऑक्टाड है, इसको भी फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट ऑक्टाड बोलेंगे। अब काम की बात ये है कि आप पहचानोगे कैसे कि रेप्लिकेशन यहां क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सेल ऐसी है, ये सेल ऐसी है, क्रॉसओवर नहीं हो रहा, आप कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन के अंदर या तो आपको टेट्राड देंगे या ऑक्टाड देंगे, जैसे अपन ने अभी यीस्ट वाला किया था ना कि भाई इतने तो है वो पेरेंटल डाया टाइप है, इतने टेट्रा टाइप है, वैसे आपको देंगे। अगर आप टेट्राड को ध्यान से देखो तो आपको ऊपर के दो एक जैसे दिख रहे हैं और ये नीचे के दो एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब अगर टेट्राड में कभी भी 2:2 का रेशियो आए, दो एक जैसे दो एक जैसे, तो समझ जाना कि ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट का एग्जाम्पल है। इसी को जस्ट इसमें देखो, ये स्टार्टिंग के चार एक जैसे, ये नीचे के चार एक जैसे, अगर आपको ऑक्टाड दिया हुआ हो और ऑक्टाड के अंदर 4:4 का रेशियो आए, तो समझ जाना कि वो FDS है। 2:2 का रेशियो आए तो समझ जाना वो FDS है। ये तो हो गया फर्स्ट डिवीजन वाले सेग्रीगेट। अब हम केस पढ़ते हैं जहां पर सेकेंड डिवीजन के अंदर सेग्रीगेशन होगा, क्योंकि वहां रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो अब वो कैसे बनेंगे उसके लिए अलग कहानी है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन क्रॉसओवर अकर्स, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में जब क्रॉसओवर होता है, अब इसको थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिए केस 2 स्टडी करते हैं। और केस 2 हमारा क्या है, व्हेन क्रॉस ओवर अकर्स। अपने को कहां से स्टार्ट कराना है, एक कैपिटल ए है सेल, एक स्मॉल ए है सेल, दोनों ने फ्यूज किया तो कैपिटल ए और स्मॉल ए एक साथ आए, उसके बाद रेप्लिकेशन हुआ एस फेज के अंदर, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, सॉरी ये सेंट्रोमियर और ये स्मॉल ए, स्मॉल ए, 1, 2, 3, 4। और अब हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। पहला केस, चार क्रोमेटिड है अपने पास में, तो कंडीशन वन कह रही है कि अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्रोमेटिड के बीच क्रॉस हो जाए तो, करा के देखते हैं। ये रहा अपने पास में कैपिटल ए और ये रहा अपने पास में स्मॉल ए, स्मॉल ए, 1, 2, 3, 4। और क्रॉस कहां कराना है, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच, ये फर्स्ट एंड थर्ड के बीच। सबसे पहले जब ये क्रॉस होगा तो क्रॉस से क्या रिजल्ट आएगा बताओ। आप ध्यान रखो कि जिन भी दो क्रोमेटिड के बीच क्रॉस हुआ उनके जीन बदल जाएंगे, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आ जाएगा, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए चला जाएगा, यही तो होगा ना। रिजॉल्व करते हैं इसको, देखो
सबसे पहले पहली क्रोमेटिड यहां पे पेन रखेंगे, सेंट्रोमियर आएगा, इस सीडी से नीचे उतरेंगे, आगे जाएंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा, मतलब पहली क्रोमेटिड का इधर वाला पोर्शन और थर्ड क्रोमेटिड का इधर वाला पोर्शन, ये हमारे सामने ऐसे आ जाएगा स्मॉल ए, ये सेंट्रोमियर है। आई बात समझ में? अब दूसरी क्रोमेटिड को देखो, दूसरी क्रोमेटिड तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, तो दूसरी क्रोमेटिड तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तीसरी क्रोमेटिड को देखो, तीसरी क्रोमेटिड का इधर वाला पोर्शन क्रॉसओवर से इधर वाला पोर्शन, और फिर ये सीडी से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्रोमेटिड पे जो जीन था वो थर्ड पे आ जाएगा, फोर्थ ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा का ऐसा लिख दो। देखो सीधी बात है कि भाई जो दो क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेगी उनके जीन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो जिसका पहले वाली का थर्ड पे रख दो, थर्ड वाले का पहले पे रख दो, बस। अब इस सेल को भेजो एनाफेज वन के अंदर, एनाफेज वन के अंदर ये सेल जाएगी तो ये सेल स्मॉल ए और ये कैपिटल ए ऐसे, और दूसरी सेल क्या बनेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे। इस सेल को भेजो एनाफेज टू के अंदर, एनाफेज टू के अंदर भेजोगे तो ऊपर वाला स्मॉल ए, नीचे वाला कैपिटल ए, फिर तीसरे नंबर का कैपिटल ए, चौथे नंबर का स्मॉल ए, ये क्या बन गया हमारे पास में, एक टेट्राड। अब क्योंकि आपको पता है कि टेट्राड के बाद में माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस के अंदर क्या करना है, फर्स्ट स्मॉल ए के दो स्मॉल ए बना दो, सेकंड कैपिटल ए के दो कैपिटल ए बना दो, थर्ड कैपिटल ए के दो कैपिटल ए बना दो, फोर्थ स्मॉल ए के दो स्मॉल ए बना दो, बस ये हो गया अपने पास में ऑक्टाड। अब आप आराम से देख भी सकते हो, क्या देखना है, यहां क्रॉसओवर हुआ है तो एनाफेज वन के बाद में भी इसी सेल में स्मॉल ए भी है और कैपिटल ए भी है, एलील सेपरेट नहीं हुए, और इस सेल में कैपिटल ए भी है, स्मॉल ए भी है, एलील सेपरेट नहीं हुए। एलील्स कब सेपरेट हो रहे हैं, एनाफेज टू के बाद। देखो ये स्मॉल ए अलग सेल में, ये कैपिटल ए अलग सेल में, इसको कहते हैं सेकेंड डिवीजन, सेग्रीगेट्स, सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेट्स। ये जो सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेट्स होते हैं उनमें देखो आप रेशियो क्या आया, ये एक एक जैसा, ये दोनों एक जैसे और ये एक जैसा, इसका मतलब इस टेट्राड के अंदर 1:1 का रेशियो है, इसको शॉर्ट में SDS बोलते हैं, SDS। फिर उसके बाद में इसमें देखो ये 2, ये 4, ये 2, ऑक्टाड में क्या है 2, 4, 2। अगर क्रॉस ओवर नहीं होता तो या तो रेशियो आता 2:2 का या रेशियो आता 4:4 का, टेट्राड एंड ऑक्टाड में रेस्पेक्टिवली। अगर आपका टेट्राड का रेशियो 2:2 को छोड़ के कुछ भी है तो वो सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेट का एग्जाम्पल है, वहां रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अगर आपके ऑक्टाड का रेशियो 4:4 को छोड़ के कुछ भी है तो डेफिनेटली वो एग्जाम्पल किसका है, वो हमारे रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, SDS का एग्जाम्पल है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। यहीं से एक बात और ध्यान में रखना, यहां पेरेंट में दो क्रोमेटिड ने पार्टिसिपेट किया है तो दो रिकॉम्बिनेंट बने हैं, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सेकंड ने और फोर ने, उनके रिकॉम्बिनेंट नहीं माने जाएंगे। तो SDS के अंदर जो चार स्पोर बने हैं, चार में से दो तो है रिकॉम्बिनेंट वाले, फर्स्ट एंड थर्ड, और दो है पेरेंटल, सेकंड एंड फोर्थ। यहां पर भी हमारे पास आठ है तो आठ में से चार तो माने जाएंगे रिकॉम्बिनेंट, चार माने जाएंगे पेरेंटल। भाई दो क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेगी तो दो रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, और क्या करना है अपने को। अब दूसरा केस पढ़ेंगे, देखो इसमें मेरे पास बोर्ड में जगह कम है तो मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, चारों तो मैं एक साथ नहीं लिख सकता, थोड़ा सा वो बड़ा है। चलो दूसरा केस समझते हैं अभी, केस टू। हमने पहला क्रॉस कराया 1 और 3 के बीच, अब 1 और 4 के बीच करा लेते हैं, क्रॉसओवर बिटवीन 1 और 4, ठीक है, क्रॉसओवर बिटवीन 1 और 4, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, 1 कहां है और 4 कहां है, उसके बीच क्रॉसओवर कराओ।
ये वन एंड फोर। अब क्योंकि क्रॉसओवर वन एंड फोर के बीच हुआ है तो वन वाला जीन फोर पे रख दो, फोर वाला जीन वन पे रख दो, सिंपल है ना। तो पहले में हमारे पास स्मॉल ए आ जाएगा, दूसरे ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था तो दूसरा जो है अपनी जगह रखो। इस बार तीसरे ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जो तीसरा जीन है एक दो तीन चार, तीसरे का तीसरे पे रखो। और चौथे वाले ने पहले वाले के साथ एक्सचेंज किया था तो पहले वाला चौथे पे ले आओ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहली क्रोमेटिड इधर से और ये सी डी से नीचे उतरे, स्मॉल ए आ गया और फिर वो ऊपर चला जाएगा तो ये स्मॉल ए इधर आ जाएगा। दूसरा है इसके नीचे से निकाल दो क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तीसरा भी इसके नीचे से निकाल दो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, चौथा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सी डी से ऊपर चढ़ेंगे कैपिटल ए आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में। तो अब ये जो आया है हमारे पास केस, इसको बस आगे एनाफेज वन में भेजो। एनाफेज वन के अंदर पहला क्रोमोजोम पहली सेल के अंदर ये चला गया स्मॉल ए कैपिटल ए, दूसरा क्रोमोजोम दूसरी सेल के अंदर ये स्मॉल ए कैपिटल ए, भेजो इसको एनाफेज टू के अंदर। ये बन गया हमारे पास में एक तो डायाड, अब बनेगा टेट्राड। तो स्मॉल ए ऊपर है वो ऊपर की सेल में, दो नंबर पे कैपिटल ए है, तीन नंबर पे स्मॉल ए है, चार नंबर पे कैपिटल ए है, ये बन गया हमारे पास टेट्राड। और इस टेट्राड का थोड़ा सा शक्ल देखो एक बार, वन 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 वन, चारों अल्टरनेट मतलब अलग अलग हैं, एक 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 एक, तो रेशियो क्या आया वन 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 वन। और इसको क्या कहेंगे एस डी एस, क्यों कहेंगे क्योंकि ये टू टू नहीं है इसलिए कहेंगे बस। फिर माइटोसिस में भेजो जरा, माइटोसिस में जाएगा तो पहले कैपिटल सॉरी पहले स्मॉल ए के दो स्मॉल ए, दूसरे कैपिटल ए के दो कैपिटल ए, तीसरे स्मॉल ए के दो स्मॉल ए, चौथे कैपिटल ए के दो कैपिटल ए, ये लो जी हो गया, ये हो गया हमारे पास में एस डी एस ऑक्टाड। और इसमें क्या है कंडीशन देखो, दो 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 दो, तो मतलब रेशियो टू 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 आ रहा है। जब भी फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच क्रॉसओवर होगा तो ये रिजल्ट आएगा, बस इतना ही याद रखना है। चलो ये हो गया हमारे पास में केस टू। अब केस थ्री, हेडिंग डालो केस थ्री और लिखो आगे इसमें क्रॉसओवर बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्रोमेटिड, फटाफट लिखो क्रॉसओवर बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्रोमेटिड। केस थ्री, क्रॉसओवर बिटवीन फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड क्रोमेटिड, ठीक है। ये अपने पास में कैपिटल ए कैपिटल ए, ये अपने पास में स्मॉल ए स्मॉल ए, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड कराना है ना, ये सेकंड और थर्ड हो गया। तो सेकंड वाला क्रोमेटिड का जो जीन है वो थर्ड पे पहुंचा दो, थर्ड वाला जो है वो सेकंड पे ले आओ, बस। पहली क्रोमेटिड पार्टिसिपेट नहीं कर रही है कैपिटल ए का कैपिटल ए, दूसरी ने तीसरी के साथ एक्सचेंज किया तो तीसरी का दूसरी पे, तीसरी ने दूसरी के साथ एक्सचेंज किया तो दूसरी का तीसरी पे, और चौथी ने पार्टिसिपेट नहीं किया ऐसा का ऐसा। ये भी कर सकते हो ना ऐसे और ऐसे, अब तो आने लग गया होगा आपको। नाउ एनाफेज वन के अंदर भेजो, एनाफेज वन के अंदर भेजोगे तो ये आया आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, और एनाफेज टू के अंदर भेजोगे सॉरी पहले तो यही करते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, एक क्रोमोजोम ऊपर वाली सेल में ये क्रोमोजोम नीचे वाली सेल में, भेजो एनाफेज टू के अंदर। ये बन गया एक डायाड, उसके बाद ऊपर कैपिटल ए है तो ऊपर की सेल में कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए, बन गया ऑक्टाड सॉरी टेट्राड। और टेट्राड भी कैसा टेट्राड है, ये एस डी एस टेट्राड है। क्या है ये, एक 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 एक, चारों एक 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 है, ठीक है। माइटोसिस करा देते हैं अपन, माइटोसिस, माइटोसिस में ऊपर का एक कैपिटल ए के दो कैपिटल ए बना दो, दूसरे नंबर के एक स्मॉल ए के दो स्मॉल ए बना दो, तीसरे कैपिटल ए के दो कैपिटल ए बना दो, चौथे स्मॉल ए के दो स्मॉल ए बना दो। इतने ज्यादा पास पास हैं ये स्पोर कि अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, सेल अपनी जगह पर ही डिवाइड होती है। ये हो गया एस डी एस ऑक्टाड, और ये क्या हो गया दो 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 का रेशियो। अगर रेशियो चार चार नहीं है,
ऑक्टाड में तो ये कंफर्म एसडीएस है, और अगर रेशियो 2:2 नहीं है टेट्राड में तो कंफर्म एसडीएस है। चलो ये एक और केस हो गया, अब लास्ट केस पढ़ते हैं। सेकंड एंड फोर्थ के बीच में क्रॉसओवर, क्रॉसओवर बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ। केस फोर, क्रॉस ओवर बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ क्रोमेटिड। चलो ये हमारी क्रोमेटिड वन कैपिटल ए, दूसरी कैपिटल ए, तीसरी क्रोमेटिड स्मॉल ए, चौथी स्मॉल ए, 1, 2, 3, 4 सेकेंड एंड फोर्थ, ये सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड वाला फोर्थ पे पहुंचाओ, फोर्थ वाला सेकेंड पे लाओ। फर्स्ट क्रोमेटिड पार्टिसिपेट नहीं कर रही कैपिटल ए का, कैपिटल ए, सेकंड ने पार्टिसिपेट करके स्मॉल ए ले आया, थर्ड ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था तो यहाँ स्मॉल ए का स्मॉल ए ही पड़ा रहेगा, और फोर्थ ने पार्टिसिपेट किया है तो कैपिटल ए। इसको भेजो एनाफेज वन के अंदर। एनाफेज वन में ऊपर का क्रोमोजोम ऊपर की सेल में, नीचे का क्रोमोजोम नीचे की सेल में, दैट्स इट, स्मॉल ए कैपिटल ए। उसके बाद क्या करना है, ये डायड बन गया है, डायड को भेजना है एनाफेज टू के अंदर। ऊपर कैपिटल ए है ऊपर की सेल में, उसके बाद स्मॉल ए एक सेल में, फिर उसके बाद स्मॉल ए, फिर एक कैपिटल ए, ये बन गया टेट्राड। इस टेट्राड को भी क्या कहेंगे, एस डी एस। 1, 2, 1 दिख रहा है मेरे को, तो ये डेफिनेटली एस डी एस है। फिर इसके बाद ये जाएगा माइटोसिस के अंदर, ऊपर का कैपिटल ए के दो कैपिटल ए बना दो, फिर उसके बाद में एक स्मॉल ए के दो स्मॉल ए, फिर एक और स्मॉल ए के दो स्मॉल ए, फिर एक कैपिटल ए के दो कैपिटल ए, बस ये बन गया एस डी एस ऑक्टाड। क्या रेशियो है, 2:4:2। समझ में आ गया, पहचान लोगे। इसका एक फायदा और है, अगर आप बैक डायरेक्शन में जाओगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी क्रोमेटिड के बीच क्रॉसओवर हुआ है। बैक डायरेक्शन में जाने का मतलब इन दो सेल की एक सेल बना दो, इन दो सेल की एक सेल बना दो, इन दोनों सेल की एक सेल बना दो, इन दोनों सेल की एक सेल बना दो, फिर इन दोनों जीन को एक क्रोमोजोम पे ले आओ, इन दोनों जीन को एक क्रोमोजोम पे ले आओ, उसके बाद में इन दोनों क्रोमोजोम वाले को एक सेल के अंदर ले आओ, फिर आप आराम से देख सकते हो कि यहां पर कैपिटल ए है तो इसके सामने कैपिटल ए होना चाहिए, और यहां स्मॉल ए है तो इसके सामने स्मॉल ए होना चाहिए। आराम से पता चलेगा कौन सी क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसओवर हुआ है। अब फॉर्मूला बनाते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला। यहां तो टोटल आएगा ही आएगा, टोटल टेट्राड और उसके टोटल ऑक्टाड ले लो या टेट्राड ले लो, दैट इज डिफरेंट थिंग, और ये 100 आएगा या आएगा। यहां क्या लिखे, हमारे पास यीस्ट के अंदर तीन तरीके के केस मिलते थे, पेरेंटल डायाटाइप, नॉन पेरेंटल डायाटाइप, टेट्राटाइप। यहां पर दो टाइप के हैं, अगर क्रॉसओवर होगा तो एसडीएस, नहीं होगा तो एफडीएस। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट या सेकंड डिवीजन, दो ही है ना। चलो FDS, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट, क्या ये किसी काम के हैं, नहीं है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट्स नहीं है, तो हम इनको टोटल में काउंट करेंगे बट रिकॉम्बिनेंट्स में काउंट नहीं करेंगे। SDS, आपके पास में एक टेट्राड है मान लो, तो इस टेट्राड के अंदर कितने स्पोर है, 1, 2, 3, 4। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, केवल दो, मतलब चार के आधे ही तो रिकॉम्बिनेंट है। अगर मैं एक और ऐसा टेट्राड लाऊं और उसके दो उठा के इसमें रख दूं और उसके पेरेंटल उठा के इसमें रख दूं, तो दो में से एक टेट्राड ही होगा ना ऐसा जिसके टोटल रिकॉम्बिनेंट बन गए। मेरी बात समझ में आई, जैसे हमने टेट्राटाइप के साथ किया था, सेम टू सेम यही करना है। हाफ ऑफ एस डी एस, और यहां कोई नॉन पेरेंटल डायाटाइप जैसा है नहीं, तो हाफ ऑफ एस डी एस डिवाइडेड बाई टोटल टेट्राड मल्टीप्लाइड बाई 100, खत्म। इतना सा फॉर्मूला है। अब आपको एग्जाम में दिए जाएंगे सवाल, और सवाल बड़े इजी, क्योंकि इनके अंदर कुछ करना ही नहीं है, या तो 2:2 या 4:4 और हो जाएगा हमारा सवाल। जैसे आपको एक सवाल दिया है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ए ए ए, ये 50 है ऐसे सॉरी ऑक्टाड 50 है,
स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ये भी 50 है, होंगे कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में ए प्लस ए प्लस ए ए ए ए ए प्लस ए प्लस, ये कितने दे रखे हैं 10। उसके बाद में ए ए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ए, ये कितने दे रखे हैं 15। फिर उसके बाद में ए प्लस ए प्लस ए ए ए प्लस ए प्लस ए ए, ये दे रखे हैं 50। ए ए ए प्लस ए प्लस ए ए ए प्लस ए प्लस, ये दे रखे हैं 15। टोटल कितने हो गए 50 50, 100 30 और 150 हो गए ये। चलो ठीक है, अब इनको पहचानना बड़ा इजी। ये चारों लगातार एक जैसे, ये चारों लगातार एक जैसे, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट। ये चारों लगातार एक जैसे, चारों लगातार एक जैसे, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेट। 2 4 2 सेकंड डिवीजन सेग्रीगेट, 2 4 2 सेकंड डिवीजन सेग्रीगेट, 2 2 2 2 सेकंड डिवीजन सेग्रीगेट, 2 2 2 2 सेकंड डिवीजन सेग्रीगेट। निकालो आंसर, कमेंट करके बताओ। तो मतलब अब आपको समझ में आने लग गया है, ठीक है, बढ़िया है, काम आएगा, पढ़ो। पढ़ नहीं रहे हो, बात ये है, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं बच्चे। कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, ये आए 115। उसके बाद में स्मॉल डी कैपिटल डी, ये आया आपका 125। फिर उसके बाद में कैपिटल डी स्मॉल डी, ये आया आपका 14। स्मॉल डी कैपिटल डी आया 16। कैपिटल डी दो स्मॉल डी कैपिटल डी, ये कितना लिखूँ मैं 17। और ये एक स्मॉल डी दो कैपिटल डी एक स्मॉल डी, ये कितना लिखूँ 13। टोटल कितने हो गए 300। अब आपको टेट्राड दिया है, कोई बात नहीं, एफ डी एस टेट्राड का मतलब 2:2। तो ये देखो 2, ये 2, ये हो गया एफ डी एस, ये 2, ये 2 एफ डी एस, ये 1 1 1 1 एस डी एस, 1 1 1 1 एस डी एस, 1 2 1 एस डी एस, 1 2 1 एस डी एस। बताओ, कमेंट करो, देखें क्या आता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारे पास में सिंपल न्यूरोस्पोरा और यीस्ट के अंदर कितना कैसे होता है वो सब। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कुछ नया टॉपिक जेनेटिक्स के अंदर। तब तक आप प्रैक्टिस करो, खूब खूब सारा पढ़ो मन लगा करके, और जो डाउट आता है वो डाउट भी पूछो। अब जो है वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि भाई देखो, थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ लिया करो, क्योंकि रोज का मैं एक अपने इस वीडियो के अंदर जो देख रहा हूँ पैटर्न, वो ये है कि ऑन एन एवरेज 5 से 6 मिनट से ज़्यादा लगातार बच्चे देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते नहीं हो, लाइव भी नहीं देखते, उसके बाद भी नहीं देख रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने वीडियो जैसे ही बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, आपको देखना हो तो देख लेना। फिर बस वही है कि अगर आप लोग खुद नहीं देखोगे, दूसरों को शेयर, कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि सर हमें तो आज ही पता चला कि आपका चैनल भी है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक लोगों को पता भी नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दो आप लोग, ताकि सबके पास में पहुँचे, उनको भी काम आए, आपके भी काम आए। और फिर बाद में अपन एक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, उसके ऊपर अपन ढंग से डिस्कस करेंगे, कुछ मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी डेली के डालता रहूंगा, तो आप वहां पर अपना आंसर देते रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।